एक कोई लुधियाना का बच्चा है, वो भजन गाना चाहता है, तो वो उनको समय दिया जाएगा, 7 से यहाँ सत्संग शुरू होगा, 8-9 तक चलेगा, तो उनको भी समय मिल जाएगा। इस समय नहीं, क्योंकि पहले से समय निश्चित हो गया है। नरसिंह दास जी का, मुरली का, उसके बाद हमारा। विषय भी निश्चित हो गया है, धाम महिमा के विषय में हमसे कहा गया है हम बोलें। धाम में आए हो, धाम की महिमा के विषय में तो जितने भी आचार्य हैं, भक्ति शास्त्र हैं, उनका शुरुआत धाम महिमा से होता है, क्योंकि भगवान दिखाई नहीं पड़ते, भगवान का रूप सामने नहीं दिखाई पड़ रहा है। 7 चीजें हैं, नाम, रूप, लीला, गुण, जन, धाम, धामी। धामी भगवान दिखाई नहीं पड़ रहा है, जन भक्त लोग दिखाई पड़ते हैं, रूप दिखाई नहीं पड़ रहा है, लीला दिखाई नहीं पड़ रही है, गुणों का अनुभव नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें सामने नहीं हैं। एक है सामने तो धाम, धाम सबको दिखाई पड़ रहा है, सबसे सरल है। कोई बंबई में है, 500 रुपए में राजधानी एक्सप्रेस में रिजर्वेशन कराया और पहुंच गया 20 घंटे में, 15 घंटे में, तो धाम सरल है। धाम में अधिकारी भेद नहीं है, चोर, बदमाश, पापी ये पहले आते हैं धाम में। राजधाष्टमी रंगीली पर भक्त तो पीछे आते हैं, गिरह कट, जेब कट पहले आ जाते हैं, और हर बार राधाष्टमी पर 10-20 लोगों की जेब साफ हो जाती है। इसके माने कि वे पहले ही आ गए थे। तो धाम ऐसा दयालु है कि सबको प्रवेश है, निषेध नहीं है। तो प्रश्न यह है, क्या उन लोगों का भी कल्याण होता है जो जूता चोर हैं, जेब कट हैं, इस धाम में आ जाते हैं और आने वालों को परेशान करते हैं? ये एक समस्या है। तो उनका भी कल्याण होता है, हमको तुमको दिखाई नहीं पड़ता है। 4 खाने जग जीव प्रकारा, 4 खाने जग जीव प्रकारा,
चार प्रकार के जीव हैं, जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज। कोई पेड़ पैदा हुआ यहां ब्रज में, उसका भी कल्याण है। जरायुज मनुष्य झिल्ली से पैदा होता है, उसका भी कल्याण है। अंडज पक्षी है, अंडा से पैदा हुआ, उसका भी कल्याण है। जितने उद्भिज हैं, जमीन फोड़ के निकलने वाले हैं, या ऊष्मज हैं, जुआ खटमल, इन सब का धाम में कल्याण होता है। अवध तजे तन नहीं संसारा, अरे भाई तुम कुछ नहीं कर सकते हो तो जाके वृंदावन में मर जाओ। आ वृंदावन में मंजुल मरे वो, जीवन मुक्त सबे ब्रजवासी, पद रज सो रति करिबो करिबो, पद रज वृंदावन में मंजुल मरिबो, मंजुल मरिबो। हमारे यहां सनातन धर्म में नो एडमिशन ये शब्द नहीं है। तुम पापी हो, पुण्यात्मा भी हो, कोई भी हो, भगवान की शरण में आ जाओ। पापो हम पाप कर्मा हम, पापात्मा पाप संभव, त्राईमाम पुंडरीकाक्ष, सर्व पाप हरो हरि। मनुष्य महान से महान पापी है, यहां तक कि कोटि भी प्रबध लागे जाओ, आवे शरण तजो नहीं ताहू, आवे शरण तजो नहीं ताहू। भगवान ने कहा करोड़ों ब्रह्म हत्या जिसने किया है, करोड़ों, वो भी मेरी शरण में आता है तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, उसका कल्याण अवश्य होगा। महापापी सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अनंत पापों से मैं एक क्षण में छुड़ा दूंगा, तू मेरी शरण में तो आ। हम लोग भगवान की शरण में जाएं, बस कुछ नहीं करना है। विभीषण ने यही कहा था, रावण प्रणतपाल रघुवंश मणि शोभा सिंधु खरार, गहे शरण प्रभु राखी हैं सब अपराध विसार। तू सीता जी को जगन माता को चोरा के लाया है और यहां बंदनी बना लिया अशोक वाटिका में, लेकिन भगवान जब तू शरण में जाएगा तो शरण में रख लेंगे। उनकी प्रतिज्ञा है तुम चाहे कितने बड़े पापी हो। देखो एक कोठरी में अंधकार है, दीपक जला दो, दीपक ये नहीं कहेगा अंधेरा आज का है कि एक साल पहले का है
कि 100 साल पहले का है कि 1000 साल पहले का है? दीपक यही नहीं पूछेगा। दीपक जलाया, रोशनी हो गई। उसी तरह भगवान की शरण में जाओ, भगवान ये नहीं कहेंगे तुमने कितनी ब्रह्म हत्या किया, तुमने कितनी भी पाप किए, तुम शरण में गए और अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, शोक नहीं कर, तू केवल मेरी शरण में आ जा। अब भगवान की शरण में कैसे जाएं? ये एक समस्या है। अभी आपको भक्ति परिभाषा कपिल भगवान ने जो कहा वो इन्होंने सुनाई मुरली ने, कि देवा नाम गुणलिंगा नाम अनुश्रविक कर्म नाम सत्व एवैक मनसो वृत्ति स्वाभाविकी दुया। बड़ी सुंदर परिभाषा है कपिल भगवान ने कहा है, और वो गलत तो हो नहीं सकती। तुम्हारी जितनी इंद्रियां हैं, देवा नाम गुणलिंगा नाम ज्ञानेन्द्रियां, शब्द स्पर्श रूप रस को बोध कराने वाली, और आनुश्रविक कर्म नाम कर्मेंद्रियां, और मन, इनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति भगवान में हो जाए बस भक्ति मिल जाएगी। स्वाभाविक माने जैसे हम लोग बैठे हैं, कोई सुंदर रूप जा रहा है। एक बार हमारी यात्रा गोकुल से निकल रही थी तो एक महिला जाने कैसा सेंट था निकाल लगा करके जा रही थी, जितने यात्री सबकी नाक वहीं चली गई थी। सब आपस में कहने लगे ओ बड़ी सुगंध है, सब यात्री चौंक गए। और कीर्तन चल रहा था, कीर्तन की ओर से ध्यान हटा और सबकी नाक वहां पहुंची उसकी साड़ी के पास। तो ये क्यों? इस स्वाभाविक प्रवृत्ति है इंद्रियों की विषयों में जाने की। क्यों है? बोले प्रकृति का नियम है। कठोपनिषद में कहा गया है कि मनुष्य क्यों संसार में खिंचता है। रोज हम लोग उपदेश सुनते हैं विषयों का त्याग करो, ले आंखें सुंदर रूप की ओर चली जाएंगी, कान सुंदर शब्द की ओर चला जाएगा, त्वचा सुंदर स्पर्श की ओर अपने आप जाएगी। रोकने से कुछ नहीं होता है। उपनिषदों में कहा परांचिखानि व्यत्रणत स्वयंभू। भगवान ने जो सृष्टि बनाया, ब्रह्मा ने, वो अनादि काल से ये प्रकृति चली आ रही है। और खान माने इंद्रियां, स्वाभाविक रूप से परांची इनका मुंह बाहर की ओर रखा गया है, ये भीतर की ओर इनका मुंह नहीं है। स्वाभाविक रूप से हर जीव बहिर्मुख है। आंख है वो बाहर के रूप को देखेगी, किसी के मन को नहीं देखेगी। और तो क्या, शरीर के भीतर कभी हम देख नहीं सकते। एक्सरे करो या और यंत्रों के बहुत से MIR जाने क्या क्या चला है, उस यंत्र के सहारे देख सकते हो, आंखें नहीं देख सकती हैं। कान से तुम कुछ नहीं सुन सकते हो, स्टेथोस्कोप वगैरह लगाते हैं तब सुनाई पड़ता है कि कफ घर घर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हर इंद्री बाहर की ओर उसका दरवाजा है। परांची खानी व्यतिरणत स्वयंभू तस्मात परांग पश्यंती नात्मना।
मनुष्य भीतर की ओर नहीं देख सकता। कभी कभी अंतर्मुख जब हो जाएगा किसी सत्संग को पाकर के, कश्चित धीरः प्रत्यगात्मानम् ऐक्षत आवृत्त चक्षुः, वो जब आवृत्त चक्षु आंखें भीतर की ओर आएंगी, अमृतत्वम इच्छम, अंतर्मुख कौन होना चाहता है? जो अमर होना चाहता है, मृत्यु से छूटना चाहता है, काल के पाश से छूटना चाहता है, वो अंतर्मुख हो जाएगा। क्यों? समझ जाएगा कि भोग केवल मृत्यु का रास्ता है। वेदों में ही कहा, मृत्योर मा मृतम गमय, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। हे परमात्मा, तू मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा, असत्य से सत्य की ओर ले जा, अंधकार से प्रकाश को असत्य से सत्य की ओर ले जा। इसके माने अनादिकाल से हर जीव अंधकार की ओर जा रहा है, हर जीव असत्य की ओर जा रहा है, हर जीव भोग की ओर जा रहा है। जब उसको अमृतत्व की इच्छा होती है तब वो भीतर की ओर मुड़ता है, भीतर देखना चाहता है, अध्यात्म देखना चाहता है। अधि माने भीतर, आत्मा माने भी भीतर, शरीर मन बुद्धि इंद्रियां ये सब आत्मा हैं। आत्मा शब्द के 12 अर्थ होते हैं। तब वो भीतर देखना चाहता है, क्योंकि परमात्मा हृदय रूपी गुफा में रहता है। अरो रणियान मैं तो महियान, वो परमात्मा बहुत छोटा है, सबसे छोटा अणु है, अणु से भी बहुत हजारों गुना छोटा है। अड़ो रणियान बहुत बड़ा है, महतो महियान। अड़ो रणियान महतो महियान, आत्मा से जंतोर नीतो गुहायाम। वो भीतर गुफा में अंतरात्मा में रहता है। और वो कैसे मिलता है? तमक्रतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमानम आत्मना। जब मनुष्य संकल्प रहित हो जाता है, हम लोग मन के लड्डू खाते हैं, पैसा इकट्ठा हो जाए, मकान बनाएगा, बंगला लेगा, कोठी लेगा, गाड़ी लेगा, मोटर लेगा, फ्रिज लेगा, टेलीविजन लेगा, जाने क्या क्या सोचता रहता है। अक्रतु नहीं बनता। अक्रतु जो बन जाता है वही धर्म कर सकता है, वही कर्म कर सकता है। उसका एक एक पैसा भी भगवत कार्य में लगेगा। ये हम जितना भी हमारा धन है ये हमारे बाप का नहीं है, हमारी कमाई का नहीं है, ये सब भगवान का है। जब वो समझ लेता है, दो प्रकार का समर्पण होता है भगवान ने कहा, एक क्रिया समर्पण, एक द्रव्य समर्पण। तुम्हारे पास जो कुछ है, एक पत्ता भी है तो भी तुम अर्पण करो भगवान को। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मद भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तिप्रहम तहृतम अश्नामी प्रेतात्मनः। और जो कि क्रियाएं हैं उनको भगवान को सौंपो। अपने शरीर के लिए तो हम बहुत कर्म करते हैं, स्त्री पुत्र आदि के लिए बहुत कर्म करते हैं, परिवार के लिए बहुत करते हैं, भगवान के लिए क्या करते हैं? यत करोषि यदश्नासि
यद जहोषी ददास्यद यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष मदर्पणम। जब हम अपना सब कुछ समर्पण कर देंगे, द्रव्य एक पैसा भी अपने पास नहीं, सब भगवान का, एक छोटी सी क्रिया भी अपने लिए नहीं, सब भगवान के लिए, तो उस समय भगवान आता है। लिखा है भागवत में, मर्त्यो मर्त्यो यदा त्यक्त समस्त कर्मा निवेदितात्मा विचिकीर्षितो में। जब मनुष्य अपने सभी कर्मों को मुझे दे देता है, तब वो मेरा प्रिय हो जाता है। तदा मृतत्वं प्रतिपद्यमानो मयात्म भूयाय सकल्पतेव, तब वो मेरा स्वरूप बन जाता है, अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। देखो वही पैसा है, एक पुण्यात्मा के पास पैसा है, एक भक्त के पास पैसा है, एक पेटू लोगों के पास पैसा है। उस पैसे का उपयोग करने वाला, वो पैसा उसका उपयोग हमको कहाँ ले जाएगा, ये भागवत में लिखा है। धनम च धर्मैक फलम यतो वै, धन का फल एकमात्र धर्म है। तुम्हारे पास एक कच्ची कौड़ी है चाहे एक करोड़ है, तुम्हारा नहीं है, न तुम्हारी कमाई है न तुम्हारे बाप की कमाई है, ये सारा शरीर भगवान का है, सारी शक्ति भगवान की है। यथा प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम स्वकर्मणात्म अभ्यर्च्य सिंधि विन्दति मानवः। ये हाथ हिल रहा है भगवान की शक्ति से, पांव चल रहा है भगवान की शक्ति से, हम बोल रहे हैं भगवान की शक्ति से, देख रहे हैं भगवान की शक्ति से, ये सारी प्रवृत्तियां भगवान की कृपा से हो रही है। जब मर जाएंगे, यही आंख है, यही नाक है, यही कान है, यही हाथ है, न हिलेंगे न डोलेंगे न देखेंगे न सुनेंगे न बोलेंगे न चलेंगे, न चलेंगे न उठेंगे न बैठेंगे न फिरेंगे, बस पड़े रहेंगे, बोले मर गया है, क्योंकि इसमें प्रवृत्ति नहीं है। वो प्रवृत्ति थी ईश्वर की दी हुई, उस प्रवृत्ति को इसने अपना समझ लिया और उस प्रवृत्ति का उसने दुरुपयोग किया, उस प्रवृत्ति का प्रयोग भगवान के लिए करना था, लेकिन हम जैसे मूर्ख लोग उस प्रवृत्ति को अपने स्वार्थ के लिए, माया के लिए, मिथ्या कार्यों के लिए प्रयोग करते हैं। यथा प्रवृत्तिर भूतानाम येन सर्वमिदं ततम, सारी प्रवृत्तियां भगवान के लिए और करो। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः, उससे तुम सिद्धि को प्राप्त हो जाओगे, अमर हो जाओगे, काल नहीं खाएगा तुमको। भागवत में लिखा, देखो वही पैसा, धनम च धर्मैक फलम यतो वही ज्ञानम सभी ज्ञानम अनुप्रशांति। पैसा जितना भी है धर्म के लिए, धर्म ने भगवान की सेवा के लिए, भागवत धर्म के लिए, एकमात्र धर्मैक फल। बोले ये तो बड़ी मूर्खता है, हमने 10 लाख कमाया और 10 लाख को भगवान की सेवा में लगा दिए, तो हमारे लिए क्या बचा। बोले ज्ञानम सभी ज्ञानम अनुप्रशांति, तुमको ज्ञान मिलेगा, विज्ञान माने प्रैक्टिकल ज्ञान मिलेगा, अनंत शांति मिलेगी। लेकिन होता क्या है, उस पैसे को गृहेषु युञ्जन्ति कलेवरस्य, कलेवर अपने शरीर में लगाए, लाओ लड्डू पेड़ा घुटने दो, या गृहेषु जहां आ सकती है वहां लगाया, उसका फल क्या है, न ज्ञान मिले, न ज्ञान मिलेगा, न विज्ञान मिलेगा, न शांति, मृत्युम न पश्यन्ति दुरंत वीर्य,
उसका परिणाम केवल मौत है, मृत्यु है, अंधकार है। इसलिए बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट लोग भी समस्त संपत्तियों को छोड़ करके भगवान को अर्पण किया। जैसे राजा अम्बरीश, अम्बरीश के बारे में लिखा है, अम्बरीशो नाम महाभाग सप्तद्वीपवती पति। आज सातों द्वीप का राजा संसार में कोई नहीं है, किसी को पता ही नहीं सातों द्वीप कहां है, राजा क्या बनेगा। अम्बरीशो महाभाग सप्तद्वीपवती पति ही। और अभ्याम च श्रियम लब्ध्वाम, उनके पास ऐसी लक्ष्मी भी थी जो इंद्र के पास भी नहीं है, अव्यय लक्ष्मी, कभी खर्च नहीं होती है, वो महात्माओं के पास रहती है। और बाकी लोग तो 10 लाख 20 लाख 10 करोड़ 10 अरब सीमित लक्ष्मी रहती है, भक्तों के पास अव्यय लक्ष्मी रहती है। उनके अंदर वासना होती नहीं है, उनका जितना युक्त खर्च है सब चलता रहता है। अभ्याम च श्रियम लब्ध्वा विभवम चातुलम भवि, अतुल वैभव था उनके पास अब, और सब उन्होंने असार समझ करके भगवान के सेवा में लगा दिया। यहां तक कि पानी का घड़ा वो स्वयं अपने सिर पर लाते थे राजा अम्बरीश, वो स्वयं भगवान के सेवा अपने हाथ से करते थे। सवई मनः कृष्ण पदार विंदयोर वचांस वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकार अच्युत सत कथोदय। सारी इंद्रियां रोम रोम उनका भगवान की सेवा में लगता था। उसका यह असर पड़ा कि सारी प्रजा भक्त बन गई। बहुत से लोग आते हैं कहते हैं महाराज हमारे ऊपर कृपा कर दो, भक्ति आ जाए। अरे भक्ति तो तुम्हारे पास बिना बुलाएगी, तुम पहले भक्त बन जाओ। तुम खुद टेलीविजन देखते हो, खुद सीरीज देखते हो, तो तुमको भक्ति कहां से मिलेगी। भक्त को तो एक क्षण भी भगवान की सेवा से अलग नहीं देना चाहिए। हमारे आश्रम में झगड़ा नहीं है टेलीविजन वगैरह का, ना ऐसे लोगों को हम रखते हैं पास में, इसीलिए यहां अखंड कीर्तन चलता रहता है। अब वो टेलीविजन रख लें तो सब खंड हो जाएगा, जितना सत्संग सब बंद हो जाएगा। यहां सवेरे आओ, दोपहर आओ, रात के आओ, सदा सत्संग चलता रहता है। उसका कारण क्या है, ये सब सांसारिक माया के साधन हम लोग नहीं रखते हैं और रखना चाहते भी नहीं हैं। यदि हम ही बैठ करके ये सब करेंगे तो सारा समाज बिगड़ जाएगा। कोई आदमी भक्ति चाहता है वो स्वयं अपने समय को लगावे भगवान के उपयोग सेवा में, अपने आप घर में भक्ति आ जाएगी। बेटा बेटी बिना सिखाए भक्त बन जाएंगे, लेकिन भक्त नहीं बनते हैं। क्यों? उसमें हमारी कमी है, हमारा हमारी क्रियाओं का समर्पण भगवान में नहीं है, हमारे द्रव्य का समर्पण भगवान में नहीं है, संपूर्ण समर्पण हमारा भगवान में नहीं है, तो भक्ति कहां से आ जाएगी। भक्ति नहीं आ सकती है। इसलिए ये भगवान के रूप का अनुभव नहीं, गुण का अनुभव नहीं, लीला का अनुभव नहीं, सबसे सरल है धाम। धाम में सबको प्रवेश है, ऐसा नहीं कि पापी नहीं आए, अधम व्यक्ति ना आवे। धाम में कोई रुकावट नहीं है। बोले फिर धाम में जाने के बाद भी दिखाई पड़ता है कोई परिवर्तन नहीं हुआ,
गए दर्शन कर आए बिहारी जी के वृंदावन के, वहाँ तमाम मंदिर में गए और गाड़ी से घूम आए और लौट के आए, वही माया। तो उसका कारण है, धाम में तो गए, धाम की भक्ति नहीं आई, भावना भक्ति है। भगवान ने कहा, स्वयं राम जी ने, हम जहां बैठे हैं ये वैकुंठ से अच्छी जगह है, इसके सामने वैकुंठ कुछ नहीं है। जब पुष्पक विमान से भगवान लौट रहे थे लंका विजय के बाद, लक्ष्मण ने कहा कि प्रभु आज्ञा क्या है? राम बोले, अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते, लंका सोने की है जरूर लेकिन हमें अच्छी नहीं लग रही है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीसी, हमारा तो वही अयोध्या जन्मभूमि है, हम तो वहीं चल के सुखी रहेंगे। यही बात कृष्ण ने कहा था, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, उधो हंस सुता की सुंदर कालरव, हंस सुता की सुंदर कालरव, आरु कदमन की छाही, आरु कदमन की छाही, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। वो ब्रज, रंगीला ब्रज, जहां हर समय गाओ नाचो आनंद करो, प्रेम उस ब्रज की याद आती है, इस द्वारका की याद नहीं आती है जो सोने की है लेकिन कुछ नहीं है। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, नाचत दैगलो बाही, नाचत दैगलो बाही। जब खिदक दुहावन जाही, खिदक दुहावन, जब दूध दुहने जाते थे उस समय, चाहे जहां ग्वाल बाल खड़े हो गए नाचने लग गए, गोपियां आ गई नाचने लग गए, वो आनंद ब्रज में, वो यहां नहीं है, सोने की द्वारका में नहीं है, उस ब्रज की याद आती है। तो भगवान ने कहा, लक्ष्मण वो अवध याद आ रहा है। बोले क्यों? पुष्पक विमान पर सब बैठ गए, जाने कितने बंदर थे, पदम 18 जूथब बंदर, सब पुष्पक विमान ऐसा था, सबको जगह मिल गया। वो इच्छा के अनुसार उसमें जितने आदमी आ जाओ उतनी सीट भर जाएगी और एक खाली रहेगी। सब बैठ गए, बंदर भालू सब, और पुष्पक विमान अब उड़ा। जब उड़ा तो भगवान ने आकाश से दिखाया, देखो भाई अब हमारी जन्मभूमि अवध आ रही है, सावधानी से सुनो। सब बोले, प्रभु हमने आज तक अवध नहीं देखा था।
और आप अवध की महिमा बताइए। भगवान बोले कि अच्छा सुनो भाई, ये धाम हमारा, हम जहां चल रहे हैं ये बैकुंठ से भी श्रेष्ठ है। आकाश से दिखा रहे हैं, यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, बैकुंठ सबसे ऊपर है, वेद पुराण विदित जग जाना, लेकिन भाई ये इस मिट्टी के पृथ्वी पर दुनिया पर जो प्रकट धाम है अवध या मथुरा वृंदावन, अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, हम लोग जहां बैठे हैं उसकी महिमा का ज्ञान नहीं है। अहो मधुपुरी रम्या बैकुंठाच गरीयसी, बैकुंठ से श्रेष्ठ है ये मथुरा वृंदावन। अवधपुरी समप्रिय नहीं सो, लेकिन ये बात सब नहीं जानते हैं। हम लोग कथा कहते हैं लेकिन ये बात हमें ज्ञान नहीं है, क्रियात्मक रूप से ज्ञान नहीं है, खाली भाषण दे देते हैं। यह प्रसंग जाने को को, प्रसंग जाने को को, भले ये बात कोई कोई जानता है, सारा बंदर लोग सुन रहे हैं पुष्प विमान में। जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, हम यहां जन्म लेते हैं, लीला करते हैं, छोटे से रहते हैं, फिर बड़े होते हैं। कौशल्या माँ आती है पालन करती है, यशोदा माँ आती है पालन करती है, यहां जन्म होता है भगवान का। उत्तर दिशी सरजूब है पावनी, ये ऐसी नदियां हैं जहां मज्जनते बिना ही प्रयासा, मम समीप नर पावही बासा। इनमें श्रद्धा से निष्ठा से इनका सेवन करने से हमारे पास आ जाता है मनुष्य। अति प्रिय मोहि यहां के बासी, लोग यहां पर रहते हैं अपना राज छोड़ करके आते हैं। नागरी दास जी राजा थे किशनगढ़ के, मोर कुटी पे आके यहां भिक्षा भीख मांगते थे। बड़े बड़े वृंदावन में ललित किशोरी जी, ललित मोहिनी जी, ये सब टेढ़े शाह खंड बेगम मंदिर है, ये इतने बड़े पैसे वाले थे कि लखनऊ का नवाब भी इनसे पैसा लेता था। लेकिन वो सब छोड़ करके ब्रज में आकर के भिखमंगे बन करके रहे, और उन्होंने अंतिम समय में वसीयतनामा में लिखा था कि मैं जब मर जाऊं तो हमारे लड़के विमान न सजा में, जैसे कोई मर जाता है तो विमान सजाते हैं,
राम राम सत्य है, कोई फूलों का चंदन का हिंडोला बनाता है। उन्होंने लिखा था कि मेरे पांव में रस्सी बांध देना, और जैसे कुत्ता मरा हुआ कुत्ते को खींचा जाता है, पशुओं को ऐसे रज में खींच करके ले जाना। हमने इस रज के लिए शरीर छोड़ा है, बड़े बनने के लिए शरीर नहीं छोड़ा। इस ब्रज में भी आके जो बड़ा बनना चाहता है वो तो उसकी बुद्धि खराब हो गई है। इस ब्रज में तो भगवान भी आकर के अपना भगवानपना फेंक देता है और दासता करता है, गोपी ग्वालों के दास बनता है। तो हम लोगों को ब्रज भाव है नहीं है, हम ब्रज में आकर के बड़ा बनना चाहते हैं, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। भगवान बोले, जा मज्जन ते बिना ही प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा, अति प्रिय मोहि यहां के बासी। यहां के रहने से ही हमको हमारा प्यारा बन जाता है। मम धामदा पुरी सुख राशि, हमारे नित्य धाम में ये पहुंचा देता है यहां का निवास। तो समय देर हो रही है, हम ये कह रहे हैं। अच्छा, और बोले, सुनते जाओ। हम तो चाहते हैं खूब सुनो, लेकिन ऐसा नहीं हो कि पीछे पछताओ मन में कि टाइम हो गया, ये नहीं होना चाहिए। तुम जितनी देर सुनोगे सुनाओगे, हम तो 7-8 बजे रात तो सत्संग चलेगा, बैठे रहो। यहां सरबस के सिर धूर दे बसिए ब्रज की धूर, ब्रज में आए हैं तो सब जगह धूर फेंक दो, संसार की समस्त संपत्तियों पे, संसार के समस्त कार्यों पे, तब ब्रजवास करो। तो ये ब्रज है, बैकुंठ से भी श्रेष्ठ है। अब पूछो, बैकुंठ से श्रेष्ठ क्यों है? तुम प्रश्न नहीं कर रहे हो, हम कर रहे हैं। यहां तो चोर भी दिखाई पड़ते हैं, बदमाश भी दिखाई पड़ते हैं, गुंडे भी दिखाई पड़ते हैं, गटर भी दिखाई पड़ता है। जमुना जी को गटर बना दिया हम जैसे लोगों ने, कितनी भारी कलंक की और नीचता की बात है। संसार में बड़े बड़े देश अपने नदियों को सुधार रहे हैं। अभी हमारे पास सिंगापुर से एक व्यक्ति आए, बोले वो कितनी गंदी नदी थी उसको सुधार दिया, मोती जैसा पानी बना दिया, टेम्स को सुधार दिया, जाने कौन कौन से नदी सुधार दिया। और हम भारतवासी अभी नरक में ही पड़े हैं, जमुना मैया कहते हैं और जमुना मैया को गटर मैया बना रखा है। लज्जा की बात है हम लोगों के लिए, इस देश के लिए लज्जा की बात है, इस देश के राज्य शक्ति की लज्जा शक्ता की लज्जा की बात है कि जिस देश में गंगा यमुना देवियां नदी थीं, हम राष्ट्रगान गाते हैं, विंध हिमाचल गंगा यमुना उज्ज्वल जलधि तरंगा, कि गंगा यमुना हम राष्ट्र गीत गान में गाते हैं, और उस गंगा यमुना को गटर गंगा बना दिया। फिर बैकुंठ से श्रेष्ठ कैसे मान ले, उसका उत्तर सुन लो। ऊंचा भया तो क्या भया, जैसा पेड़ खजूर। ऊंचा भया तो क्या भया, जैसा पेड़ खजूर। खजूर का पेड़ देखा होगा सबने, बहुत ऊंचा होता है। पंथी को छाया नहीं और फल ला गए बड़ी दूर। खजूर के पीछे नीचे कोई लेटने गया कि छाया में लेटेंगे, छाया ही नहीं तो आकाश में उसके पत्ते हैं। फल भी खजूर का बहुत ऊपर है, ऐसा नहीं कि तोड़ के खा ले। जो चीज सहज प्राप्त नहीं है वो किस काम का, बैकुंठ हमारे किस काम का।
वो बहुत दूर है, हमें मिल नहीं सकता। जब मिल नहीं सकता तो हमारे किस काम का। तो इसलिए यद्यपि सब वैकुंठ बकाना, वेद पुराण विदित जग जाना, अवध पुरी सम प्रिय नहीं सो। लाभ इसी से होगा, इसी ब्रजभूमि से होगा। 8 करोड़ कम से कम लोग हर वर्ष इस ब्रज में आते हैं और राधे राधे करते हैं, दर्शन करते हैं, भगवान की भक्ति के लाभ। आज भी इस कलयुग में इस धाम का इतना प्रभाव है कि प्रगट जगत में जगबगे वृंदा विपिन अनूप, नयन अछत दिसे नहीं यह माया का रूप। यहां करोड़ों लोग दुनिया के आते हैं और भगवान की स्मृति करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, भक्ति सीखते हैं, भक्ति लाभ करते हैं। जैसी जिसकी दृष्टि होती है, हम चोरों को मत देखें, बदमाशों को न देखें। हमारे पास भी लोग आते हैं, बोले महाराज श्री जी के मंदिर में जाते हैं तो वहां मांगने वाले चैन से खड़े नहीं होने देते। अरे दही जा, चारा ही पैसा, चारा ही आना दे जा सेठ, साग के लिए दे जा पैसा, खड़े नहीं होने देते हैं। तो उस समय हमको ही कहना पड़ता है कि तुम एकमात्र दृष्टि भगवान पे रखो, कौन मांग रहा है, कौन क्या कर रहा है, उधर दृष्टि न ले जाओ। जाको मन लाग्यो गोपाल ही, जाको मन लाग्यो गोपाल ताही और क्यों भावे हो रे, और क्यों भावे हो रे। तुम्हारी गलती है, तुम देखते क्यों हो मांगने वालों को। तुम अपनी आराधना में लगे रहो, भगवान को देखो, उधर ध्यान मत दो। जैसे जैसे मीन दूध में राखो, जैसे दूध में राखो बिन जल क्यों सच पावे ओ रे, बिन जल क्यों सच पावे ओ रे। सूरदास जी का पद है, मछली को दूध में पकड़ करके पटक दो वो मर जाएगी, वो तो पानी में जिएगी। वैसे हम लोग मछली बन जाएं, कुछ मत देखो। यहां आने के बाद भी सवई मना है कृष्ण पदार विंदयो, अम्बरीश राजा बन जाओ। अम्बरीश के पास कई सौ रानियां थीं, लेकिन वो भोगी नहीं थे। शरीर भगवान भक्तों के स्पर्श में लगाते थे, भोग में लगाते थे। तद भृत्य गात्र स्पर्शेंग संगमम, ये भागवत का श्लोक है। भगवान के भक्तों को छूते थे, काम भाव से स्त्रियों को नहीं छूते थे। उसका प्रभाव क्या हुआ, उसका प्रभाव ये हुआ, बिहार के मिथिला के राजा राम मोहन राय थे, उनकी लड़की थी। वो उसने कहा था पिताजी हमारे ब्याह, हमारा ब्याह मत करो, ये शरीर भोग के लिए नहीं है, ये शरीर तो भगवान के भजन के लिए है। राजा बोले बेटी ये कलंक की बात है कि राजा की लड़की और ब्याह नहीं किया, ब्याह तो तुमको करना पड़ेगा। तुम अपने अनुसार कोई भी वर चुन लो और हम उसी से तुम्हारा विवाह कर देंगे।
ब्याह तो तुमको करना पड़ेगा। लड़की बोली अच्छा। नारद जी आते जाते थे सब जगह। नारद जी से पूछा, नारद जी कोई ऐसा वर बताइए जिसके पास भोग नहीं हो केवल भक्ति हो। बोले ऐसा अम्बरीश है। अम्बरीश के सिवाय इस पृथ्वी पर कोई आदमी ऐसा नहीं है जिसने कि जिसके शरीर में केवल भक्ति हो। उसने कहा ठीक है। अपने पिता से कहा कि मेरा ब्याह अगर होगा तो अम्बरीश से होगा और किसी दुनिया में व्यक्ति से ब्याह नहीं करूंगी। राजा साहब ने ब्राह्मण को भेजा, जाओ विवाह का प्रस्ताव ले जाओ अम्बरीश के पास कि हमारी लड़की केवल तुमसे ही विवाह करना चाहती है। ब्राह्मण गया, राजा अम्बरीश ने स्वागत किया, प्रणाम किया। बोले ब्रह्मदेव कैसे आए? बोले हमारे राजा साहब ने भेजा है, उनकी लड़की है, विवाह करना चाहती आपसे। बोले अरे राम राम राम, मेरे पास तो सैकड़ों रानियां हैं और वो सब पछता रही हैं, ऐसा पति क्या काम जो कभी न बोलता है न चलता है न आता है न जाता है न बैठता है न उठता है। अरे ब्याह वाला तो संग खाओ संग पियो, आजकल तो दुकानों में बैठ करके सब साथ साथ चाट पकौड़ा खाते हैं, है लज्जा नहीं शर्म नहीं? तो बोले हमारे पास ये सब भोग नहीं है। जा करके उन्होंने मना कर दिया। राजा साहब ने कहा अपनी लड़की से, बेटी वहां भोग नहीं है। लड़की बोली इसीलिए तो मैं उनको पति बना रही हूं, मुझे भोगों से छूटना है। ब्राह्मण वापस गया अम्बरीश के पास। राजा ने भेजा कि जाओ कह दो हमारी लड़की मर जाएगी, विवाह करेगी तो तुमसे करेगी। ब्राह्मण गया अम्बरीश के पास, बोले कहो। ब्राह्मण बोले इसलिए आया हूं कि उसका हट है विवाह आपसे ही करेगी, उसको भोग नहीं चाहिए। बोले ठीक है तो मैं स्वयं नहीं जाऊंगा विवाह करने, ये मेरी कटार ले जाओ। क्षत्रियों में राजाओं में ऐसा भी होता था, उनका प्रतिरूप कटार या तलवार उससे विवाह हो जाता था। कटार से विवाह हो गया और विवाह होने के बाद वो लड़की आई, अम्बरीश ने उसका मुंह ही नहीं देखा। पहले कह दिया था कि मैं मुंह नहीं देखूंगा। उस लड़की ने भी कहा था हमको भी मुंह दिखाने की जरूरत नहीं है। अरे तुम 100 बार आओगे मेरे पास मुंह देखने। नारी शक्ति भी एक शक्ति होती है। नारियां जहां पूज्य हो गई हैं वहां देवता बिना बुलाए आएंगे। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, वहां भगवान बिना बुलाया आएगा। आज नारी जात का उत्थान उठाने वाला कोई हो, ये नारियां बड़ी पवित्र होती हैं। हमारा तो अनुभव है 100 लड़कियां रहती हैं यहां और हमारा कोई भी गड़बड़ी नहीं है, सब नृत्य करती हैं घंटों रात को, ये स्वाभाविक पवित्र होती हैं। लोग स्त्रियों को बुराई करते हैं लेकिन हमारा अनुभव उल्टा है।
उसने कहा ठीक है। विवाह के बाद वो गई, उसका अलग महल दे दिया गया और अलग महल में वो रहने लग गई। उसने पता लगाया कि राजा साहब की दिनचर्या क्या है। लोगों ने बताया राजा साहब स्वयं जाते हैं स्नान करने, पानी के घड़ा सिर पर लाते हैं और स्वयं सेवा करते हैं भगवान की, सारे दिन सेवा में लगे रहते हैं। वो समझ गई स्थिति को कि सच में भक्त हैं। वो रात को चोरी से, क्योंकि वह महल पास में था, पहरेदार बाहर रहते हैं, वो अम्बरीश के महल में घुसी। कब घुसी? जब वो बाजा गाजा के साथ नहाने जाते थे, जब उसने एक बाजा सुन लिया कि बाजा दूर चला गया, तो उनके महल में घुसे और ठाकुर जी के मंदिर की सब बुहारी लगाया, बर्तन मांजे, सारी सेवा करके, और जब बाजे की आवाज सुना कि आ रहे हैं वापस, तो तुरंत अपने महल में घुस गई। यानी चोरी से सेवा किया। अम्बरीश आए और देखा सब बर्तन साफ, बुहारी साफ, पहरेदारों से पूछा कोई आया यहां? बोले हुजूर कोई नहीं आया। सरकार यहां मक्खी भी नहीं घुस सकती, हम लोगों को पहरा ऐसा तेज है। अरे मक्खी भी नहीं घुस सकती, हमारी तो सारी सेवा की चोरी हो गई। वो चोर यहां आया, घंटों रहा, बुहारी लगाई, बर्तन मांजा, और तुम लोग कहते हो कि मक्खी भी नहीं आ सकती है, ठीक से पहरा दो। पहरेदारों ने फिर ठीक से पहरा दिया, सारी रात टहलते रहे। और चोर कोई बाहर से तो आता नहीं था, चोर तो घर में था, इस कमरे से निकला उस कमरे में घुस गया। फिर दूसरे दिन भी वही चोरी भई, सारी सेवा उसने अपने आप किया। अम्बरीश आए स्नान करके, सरजू स्नान करके, अयोध्या के राजा थे, और यहां देखा सब चोरी हो गई, सब बर्तन मांज दिया, सब बुहारी लगा दिया, सब कपड़े ठाकुर जी के संभाल के रख दिए, और बोले तुम लोगों ने पहरा नहीं दिया। बोले सरकार पहरा तो ऐसा दिया कि एक मक्खी नहीं घुस सकती है। बोले फिर ये आखिर चोरी हुई कैसे? बोले पता नहीं, ये तो कोई देवता आ गया है, इस दरवाजे से तो आया ही नहीं है। अम्बरीश समझ गए कोई रहस्यमय बात है, इस रहस्य को ये नहीं जान पाएंगे। अच्छा ठीक है जाओ, इसका पता मैं ही लगाऊंगा, उन्होंने सोचा मन में। रात को बाजे वालों से कहा तुम बाजे बजाओ और घड़ा लेकर के आगे चलो, मैं आज यहीं छिप के बैठूंगा। बाजे वाले कीर्तन वाले सब चले और कीर्तन करते करते, और जो दूर आवाज चली गई तो वो नई रानी निकली अपने कमरे से और राजा साहब के उसमें ठाकुर मंदिर में घुसी। उसको पता तो था नहीं कि यहां सिंहासन के नीचे कोई महाचोर बैठा हुआ है हमको पकड़ने वाला। वो गई और उसने शुरू किया अपना बुहारी लगाना, और ये सिंहासन के नीचे छिपे सब देख रहे थे राजा साहब। ओ ये चोर है, लेकिन कभी उसकी शक्ल तो देखा नहीं था, ये कौन है, इसको तो मैंने कभी देखा नहीं है।
सारी चोरी किया उसने, सब झाड़ा पोछा, बर्तन मांजे और आराम से ठाकुर जी के सब वस्त्रों को सजाया और जब उसने सुना कि बाजा वापस आ रहा है, झट समझ गई कि अब चोरी पकड़ी जाएगी, भाग चलो। वो जैसे ही भागने के लिए चली, अंबरी जी सिंहासन से निकल पड़े, बोले रुको। वो डर गई, ओ ये कौन? देखा तो राजा साहब खड़े हैं, मुकुट से राजा के हमेशा मुकुट रहता है। वो डर के मारे कांपने लग गई। अम्बरीश बोले, तुम कौन हो? मेरी सेवा चोरी करती हो? वो बोली, मैं आपकी रानी हूं। बोले, मेरी रानी? मैंने तो तुम्हारा मुंह भी नहीं देखा आज तक, ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम मेरी रानी हो? क्या तुम्हारा मेरे साथ ब्याह हुआ है? बोले, हां। बोले, मेरे साथ कैसे ब्याह हुआ? तुम कहां की हो? मैं उधर की हूं, बिहार की। मैं तो कभी उधर बरात लेके गया ही नहीं हूं। हमारा तुम्हारा कब ब्याह हुआ? बोले, आप नहीं गए, आपकी कटार तो गई थी, आपकी कटार के साथ मेरा ब्याह हुआ है। ओह, याद आ गई, ठीक है, मैंने कटार दिया था, हमने मान लिया कि तुम हमारी रानी हो, लेकिन तुम चोरी क्यों करती हो? बोले, चोरी नहीं है, मैं अर्धांगिनी हूं, आपने जब कटार भेजा और आप स्वीकार करते हैं कि मेरा विवाह हुआ है, तो मैं चोर कहां हूं? अर्धांगिनी उसको कहते हैं। दो प्रकार की स्त्रियां होती हैं, एक भोग पत्नी, एक धर्म पत्नी। ये समझने की बात है, समझो। आजकल संसार में भोग पत्नियां ज्यादा हैं, धर्म पत्नी तो कोई होती है, जैसे अम्बरीश की रानी, धर्म कर्मों जो साथ देती है दिन रात। भोग पत्नियां ज्यादा हैं, रंगीन टेलीविजन लाओ, रंगीन फलाने लाओ, ये लाओ, सीरीज दिखाओ, ये सब भोग पत्नियों का काम है। तो मैंने गलत तो नहीं किया? क्या भगवत सेवा में आपका ये अधिकार है? अम्बरीश चुप रहे, बोले, नहीं, भगवत सेवा में तो सबका अधिकार है देवी, तो मैं चोर तो नहीं हूं। राजा साहब की बोलती बंद कर दिया नई रानी ने, ठीक है, लेकिन तुम अलग अपने ठाकुर जी पधरा लो और हमारे सेवा की चोरी मत करो। उसने कहा, ठीक है, जो आप आज्ञा करते हैं मैं वही करूंगी। उसने अलग मंदिर में ठाकुर जी पधराए और ऐसी सेवा किया। उसकी प्रतिज्ञा थी कि तुम 100 बार आओगे मेरे पास, तुम कहते हो हम स्त्रियों का मुंह नहीं देखते, तुमको 100 बार आना पड़ेगा, लड़की हो तो ऐसी हो। उन्होंने दोहरा काम किया, ठाकुर सेवा तो किया ही, ठाकुर जी के साथ भक्तों की सेवा शुरू किया। उसके महल में रोज भंडारा होता था, भक्त लोग आमे 100-100 200-200 टोल करते और भोजन करें, कीर्तन करें। भंडार खोल दिया, रानी थी, कोई कमी नहीं धन संपत्ति की, सैकड़ों भक्त आ रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं और भोजन कर रहे हैं। मद भक्त पूजा व्यधिका, भगवान ने कहा है कि मेरी भक्ति से हमारे भक्तों की बड़ी भक्ति है। मोरे मन प्रभु
अस विश्वासा राम ते अधिक राम कर दासा अधिक राम कर दासा राम से अधिक है भगवान का दास। भगवान के सेवा छोड़ दो, भगवान के भक्तों की सेवा करो। सुन सुरेश उपदेश हमारा राम ही सेवक परम पियारा राम ही सेवक परम पियारा सुन सुनहुं राम कर सहज सुभाउ निज अपराध रिसायन काहू भगवान अपने अपमान पर कभी नाराज नहीं होते हैं। ग्वाल बाल लोग रोज गाली देते थे, शिशुपाल रोज गाली देता था, नाराज नहीं भये। लेकिन जे अपराध भक्त कर करही राम रोष पावक ते जरही राम रोष पावक ते जरही राम सदा सेवक रुचि राखी वेद पुराण संत श्रुति साखी वेद पुराण संत श्रुति साखी उसने डबल सेवा किया, भगवान के भक्तों की और भगवान की। नारद जी आए एक दिन, पहले आते थे तो सीधे अम्बरीश के महल में जाते थे, अब आए सेवकों ने कहा राजा साहब नारद जी आए हैं। हाँ तो बुलाओ बुलाओ। बोले बुलावे क्या, वो तो सीधे रानी के कोठी में चले गए हैं। किस रानी के? बोले नई रानी जो है उसके महल में चले गए हैं। हैं, ऐसा कैसे हुआ, उनकी कोई पहचान नहीं और हमको छोड़ गए। स्वयं राजा साहब गए देखने, वो वहां वीणा लेके गा रही थी, कृष्ण गुणगान कर रही थी, आंखों में से आंसू बह रहे थे और वहां भगवान के भक्त लोग थे, झूम रहे थे। ओ ये बात है, इसकी भक्ति का चमत्कार है। नारद जी ने कहा देखा राजन, तुम तो कहते थे हम स्त्रियों को मुंह नहीं देखते हैं, आज क्या हुआ? बोले गुरुदेव हमारा तो हुआ तो हुआ, आप पहले हमारे पास आते थे, आज पहले यहां आ गए। बोले हां, भक्तिवंत अति नीचो प्राणी, भक्ति जहां है, जैसा कि अभी आपको श्लोक सुनाया, सकल भुवन मर्धे मध्य निर्धनास्ते भी धन्या, ये श्लोक अभी आपको सुनाया था हमसे पहले मुरली ने, कि वो बड़ा गरीब है, संसार का सबसे बड़ा गरीब है, लेकिन सबसे बड़ा धनी है जिसके हृदय में भक्ति है। राजन जैसे मैं क्यों आया, इसलिए आया, ये धन्य है स्त्री, तुम भी इसीलिए आए हो। बोले हां। राजा साहब रोज उसके महल में जाने लग गए पद सुनने के लिए, क्योंकि वो गाती थी, नाचती थी, भगवान के पद गाती थी। उसका परिणाम यह हुआ कि सारी रानियां सब सोचने लग गई कि हम भी करें तो हमारे भी महल में आएंगे राजा साहब। एक लड़की ने सभी रानियों को भक्त बना दिया
और सारी प्रजा सोचने लग गई कि हम भी भक्ति करें। जो जो भक्ति करता था राजा साहब जाते थे, सारी प्रजा भक्त बन गई। एक स्त्री ने बनाया दिया, एक स्त्री के अंदर ये चमत्कार। तो अगर हमारे अंदर भक्ति होगी तो सारा परिवार भक्त बन जाएगा। लेकिन हमारे अंदर भक्ति स्वयं नहीं है, हम स्वयं टेलीविजन देखते हैं, स्वयं गाना सुनते हैं, स्वयं सिनेमा जाते हैं, तो भक्ति कैसे आ गई? इसलिए धाम की महिमा, धाम में भी लोग आते हैं पिकनिक पार्टी करने आते हैं। धाम में जाओ कैसे जाओ? जहां पर महत्पुरुषों का संग हो वहां जाओ। मंदिरों में भी मना किया गया है, भगवान ने स्वयं मना किया है कि नाग्निर न सूद्रो न चंद्र तारका न भूर जलम खम शसनोथ वांग मना। यज्ञ वज्ञ करते हो उसमें कुछ नहीं होगा। अग्नि उपासना, यज्ञ करना, सूर्योपासन, सूर्य उपासना करते हो उसमें कुछ नहीं मिलेगा। ये भगवान कृष्ण ने भाषण दिया है कुरुक्षेत्र में, जब ऋषि लोग गए हैं उनके बीच में। नाग्निर न सूर्यो न चंद्र तारका, ताराओं की चंद्रमा की ज्योतिष विद्या से उपासना करते हैं कुछ नहीं होगा। न भूर जलम खम श्वसनोथ वांग बना, पृथ्वी की उपासना करते हो, जल की उपासना करते हो, तीर्थों में जाते हो, कुछ नहीं होगा। वायु की उपासना करते हो, प्राणायाम इत्यादि, उसे भी कुछ नहीं होगा। सांस खींचो छोड़ो, खींचो छोड़ो, इसमें क्या भगवान मिलेगा? शरीर भले ही सुधर जाए लेकिन भगवान नहीं मिलने बार। वांग मना उपासिता भेद कृतो हरंत्यघम विपश्चितो घ्रंति मुहूर्त सेव्या। अरे भगवान के भक्तों को संग करो। बोले भगवान के भक्तों को संग कैसे करें? विघ्न है यस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधात पे, जिसकी बुद्धि अपने इस मुर्दा शरीर में है, मान सम्मान में है, वो क्यों जाएगा संतों के पास, भक्तों के पास? स्वधी कलत्रादिशु भौम जधि, स्त्री पुत्रादि में जिसकी ममता है वहां बैठेगा घर में कि वहां जाएगा सत्संग करने? भौम मूर्तियों में भी भगवान नहीं है। मूर्तियों में इज्जत ही पूजी बुद्धि करोगे वहां भी भगवान नहीं है, भगवान नहीं मिलेगा। यस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधात के स्वधी कलात्रादिश भौम जिद्धि यत्तीर्थ बुद्धि सलिले। बोले गंगा स्नान करने जा रहे हैं, हरिद्वार जा रहे हैं, बोले पानी में भी भगवान नहीं है। यत्तीर्थ बुद्धि सलिले न करचित जनेश्व भिज्ञेश सैव गोखर। बोले ये भागवत का श्लोक है, मेरा नहीं है, भगवान कृष्ण ने भाषण दिया। ये लोग गधे हैं, अभिज्ञ मन जो भगवत भक्तों को छोड़ करके इधर उधर घुमा करते हैं। मूर्तियों में जाते हो, मंदिरों में जाते हो तो वहां ऐसे भिखमंगे मिलेंगे, परेशान करने वाले मिलेंगे। वहां जाओ जहां केवल कृष्ण कथा निस्वार्थ भाव से हो रही है, वहां भक्ति का लाभ होगा तुमको। तो इसलिए तीर्थों में इस तरह से जाना चाहिए। धाम में जाओ, महत्पूर्ण सेवया, महापुरुषों को संग करो, तब तुमको लाभ होगा। ठीक है, अब संतुष्ट हो गए न भयो तो और चलाएं गाड़ी। अच्छा कीर्तन कर लो।